हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी ज्ञानप्रिय यूट्यूब चैनल पर। एक बड़ी वैकेंसी आ गई दोस्तों झारखंड सरकार की तरफ से, तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे जॉब रिगार्डिंग, जो भी नोटिफिकेशन निकल के आई है, जो झारखंड सरकार की तरफ से निकल के आई है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कहाँ से निकल के आई है, क्या इसका डिपार्टमेंट है, सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक अगर ज्ञानपुरी यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे को भी दबा लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन डेली आप लोगों को मिलते रहेंगे दोस्तों। और एक मेरा दूसरा चैनल है टेक्नोपुरी, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको तो जरूर से जाएं सब्सक्राइब कर दें टेक्नोपुरी को भी, और साथ ही साथ बेल घंटे को भी दबा दें, जिससे उस चैनल पे आने वाले जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आएंगे सब आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं गूगल क्रोम पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जामताड़ा, क्योंकि झारखंड का जामताड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है, तो इसीलिए मैं जामताड़ा गूगल पे सर्च करता हूँ तो हम लोगों को उसका लिंक मिल जाता है, जामताड़ा NIC.in, ये इसका ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा उसका होम पेज पे चले आऊंगा, उसका होम पेज से हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा उसका एडवर्टाइजमेंट को। तो सबसे पहले होम पेज पे आ गए, यहाँ पे मैं नोटिस पे चलता हूँ। नोटिस के अंदर में हम लोगों का एक ऑप्शन आता है रिक्वायरमेंट का, इस रिक्वायरमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे नोटिस आएंगे सब हम लोगों को यहीं पे मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला वाला यहाँ पे दिया गया है, देखिए, लेडीज टीचर कुक सिलेक्शन कस्तूरबा गांधी स्कूल की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकाल के आई है ये जामताड़ा में, उसी से रिलेटेड ये नोटिस दिया गया है, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 5/9/2019। इसको मैं व्यू करता हूँ तो डाउनलोड हो जाता है एक पीडीएफ। इस पीडीएफ में सारे डिटेल हम लोग को मिल जाएंगे। थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है और क्लियरिटी नहीं है, मैं थोड़ा जूम करके अच्छा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हेडिंग में ही दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों का क्या दिया गया है, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट जामताड़ा। यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया गया है हेडिंग में। फिर यहाँ पे नीचे में देखिए दिया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका एवं रसोईया की चयन से संबंधित विज्ञापन। तो ये दो पोस्ट जो है शिक्षक और रसोईया के लिए ये निकल के आई है, जहाँ पे डेट भी दिया गया है 5/9/2019 तक शाम 5 बजे तक इसको निलंबित डक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग इसको कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे जैसे पहला दिया गया है शिक्षक के लिए, इसमें आप लोगों का गणित का दिया गया है, विज्ञान का दिया गया है और भाषा के लिए दिया गया है। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, ST के लिए 1 है और SC के लिए 2 है। गणित के लिए, विज्ञान के लिए दिया गया है, देखिए, SC के लिए 1, BC1 के लिए 1 और कमजोर वर्ग के लिए 1 दिया गया है जो विज्ञान के लिए है। भाषा जनरल में 2 दिया गया है, तो इस तरह से टोटल 3 3 2 इस तरह से वैकेंसी निकल के आती है। न्यूनतम अर्हता क्या दी गई है, देखिए, संबंधित विषय में स्नातक, यानी कि स्नातक होना चाहिए गणित वाले गणित के लिए, विज्ञान वाले विज्ञान के लिए और भाषा के लिए भाषा के लिए। NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd के साथ TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ये दिया गया है। और उच्च प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे जैसे TET के बाद क्या दिया गया है, उत्तीर्ण, टेट उत्तीर्ण, उसके बाद कोमा देके दिया गया है उच्च प्राथमिक कक्षाओं 6 से 8 जिले के लिए, 8 जिले के लिए अनुसूचित क्षेत्र भाषा जनजाति भाषा में झारखंड टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशन आप लोग अगर है आप लोगों के पास तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्या हो जाती है, देखिए, 10,000 रुपये प्रति माह ये दिया गया है। उसके बाद संविदा विस्तार के अवस्था में 250 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि होगा, ये चीज दिया गया है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है रसोईया के लिए, जिसमें आप लोगों का ST के लिए दिया गया है, देखिए, 2 जनरल के लिए दिया गया है 1, टोटल हो जाता है 3 इसमें आ जाते हैं। इसमें आप लोगों का न्यूनतम 8वीं पास होनी चाहिए तथा भोजन बनाने के पर्याप्त अनुभव, यानी कि आप लोगों को भोजन बनाने वगैरह आना चाहिए, तब आप लोगों का सैलरी हो जाता है 5,000 प्रति महीना, ये दिया गया है दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग से। नीचे पे बहुत सारे रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, मैं एक दो बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहला दिया गया है उपयुक्त सभी पद लघुकालीन
उपयुक्त सभी पाद आधुकालीन संबंधी आहार्तिक के अवस्थित है, भविष्य में किसी भी प्रकार के अस्थायी कारण की मांग स्वीकृत नहीं की जाएगी। ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, बाद में आप लोग परमानेंट करने का, ये सब जो आता है बाद में ये सब आप लोग मांग नहीं कर सकते हैं, वो चीज दिया गया है। उपयुक्त सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों के ही आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, मतलब ये सब जो पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए ही रहेगा, पुरुष वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में उच्चतम योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब इसमें जो एप्लीकेशन भराया जाएगा जिसका क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा होगा उस सबको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ये सब भी दे दिया गया है। तो इसी तरह से टोटल 15 यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, जो आप लोग एक बार देख लीजिए बढ़िया से। नीचे आप लोगों का यहाँ पे एक आवेदन पत्र दिया गया है, जहां पे आवेदित पद का नाम, विषय का नाम, ये आप लोगों का A4 साइज एक पेपर लेना पड़ेगा और इस तरह से फॉर्मेट बना के देना होगा। आवेदिका का नाम, पिता पति का नाम, कोटि, लिंग, ये सब आप लोगों को सारे डिटेल मेंशन करना पड़ेगा एक A4 साइज पेपर में लेके, और आप लोगों को ये स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट में भेजना पड़ेगा। तो बस एक छोटी सी यहाँ पे नोटिस निकल के आई थी, जो झारखंड सरकार की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी, जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बहुत सारे कैंडिडेट को ये मिले जो इसका लाभ उठा सके। और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।